एक तरफ पानी का शोर, दूसरी तरफ घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़। वेलकम टू सवात। सामने वो रास्ता है, वो सामने रास्ता मुझे उधर पहुंचना है और बिल्कुल ढलान है ये। पता ना कैसा, अगर मैं स्लिप हुआ तो नीचे खाई में जाऊंगा। फुल में ढलान पिए, मेरे पास इस वक्त अपने आप को संभालने के लिए सिर्फ अपने हाथ और पाँव के अलावा कुछ नहीं है, और साथ ही कैमरे को भी संभाला हुआ है। आज हमारा 6th day है और आज जो स्टे किया था हमने स्काई व्यू होटल है, जो कि नीचे भी बोर्ड दिखेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप लोकेशन देख सकते हैं। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सुबह हो गई है मेरी। और आपको अंदर से कमरे का थोड़ा दिखाता हूँ, मैं भी यहाँ से जा रहा नहीं हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ जाने की, क्योंकि बेड वगैरह भी सब कुछ सही होगा। अच्छा माशाल्लाह, तो कल से तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मैं जो हिच राइकिंग कर रहा था उसमें भी मुझे बड़ा मसला हुआ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ एडवेंचर टाइप कैंपिंग करना चाह रहा था वहाँ पे मसला हुआ। तो सच्ची बताऊँ तो कल मुझे सिर्फ कैंप साइट ढूँढने में मुझे 4 घंटे लगाए, और आप देख सकते हैं हर तरफ ही कैंप साइट है लेकिन अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब बस परमिशन का मसला था। क्या करें, परमिशन हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं, शायद हमें मुझे समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो भाई आज मैं निकल रहा हूँ अभी यहाँ पर 2 places देखने के लिए, एक तो ग्रीन बेल्ट कोई जगह है और एक है हमारे पास आबशार है। तो ग्रीन बेल्ट हो सकता है शायद मैं मिस कर दूँ, क्योंकि तो हर जगह ही ग्रीन बेल्ट है। मैं जल्दी यहाँ से निकलने की करूँगा लेकिन मैं आबशार को मिस नहीं करूँगा, और मुझे रास्ता नहीं पता लेकिन लोकल से ज़रा पूछते पूछाते जाऊंगा और आबशार पे जाके वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे उसका व्यू, क्योंकि जब आए हैं यहाँ पे मालम जब्बा पे उसको मिस करना अच्छा नहीं होगा। तो ये था होटल स्काई व्यू होटल जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, और बहुत देखें इस वक्त यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आए हुए और जहाँ तक मुझे दिखा यहाँ पर ना, और होटल पूरा खाली था। थोड़ा सा कर कराने के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद फिर मुझे जो मिला ना वो ये होटल, आपको बताता हूँ ये होटल मिला और बहुत अच्छे रेट में मुझे मिला, और वाहिद नाम था, वाहिद भाई ने मुझे यहाँ पर जो इस होटल के ऑनर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रेट में और मुनासिब रेट में दिया ये। सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चा, कैसा है बच्चा, ये बताओ उसका रास्ता कहाँ है आबशार का? ये रास्ता सीधा इधर से है, रास्ता इधर से भी है, इधर ही है। गाइड नहीं चाहिए, आबशार का रास्ता बता दो, ये जा रहा सीधा। चलो हाँ, यहाँ पर अगर मैं भी इनको बोलता कि मुझे गाइड चाहिए, छोटे छोटे बच्चे गाइड के लिए है इनका, अगर काम भी है ये एज अ गाइड होते हैं यहाँ पर के, आपको गाइड देंगे, आपको गाइड बताएंगे। तो फिर अगेन वही चार्ज होता है, एक साइड का कोई 1000 rupees चार्ज के करीब, और अभी इस वक्त फिलहाल अपनी ऐसी हालत नहीं है कि 1000 rupees चार्ज दे सकें एक साइड के लिए। मालम जब्बा में ऐसे उनके मुताबिक 3 sites हैं, 3 sites के मतलब 3000 rupees सिर्फ मैं उनको मालम जब्बा में साइट्स दिखाने के। शायद आबशार तक मैं पहुँचने में मुश्किल हो जाए लेकिन खुद चलेंगे, देखते हैं, टाइम बहुत है अभी अपने पास। हाँ तो भाई हम इस वक्त अभी एक रास्ते पे आते हुए जंगल के अंदर की तरफ आ गए, इधर भी कैंपिंग की क्या जगह थी, अगर मुझे मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती, जगह तो बहुत है लेकिन अलाव नहीं हो रहा था। तो मुझे यहाँ से आवाज़ आना शुरू हो गई है डाउन द रोड, मुझे यहाँ से दिख रहा है डाउन द हिल की, यहाँ पे आबशार दिख रहा नहीं है लेकिन आवाज़ आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा करीब होगा, बाकी रास्ता पता नहीं किस तरह लेके जा रहा है मुझे पता नहीं है, तो सोचता हूँ प्रिफर करूँगा इसी को, क्योंकि मैं यहाँ से ढलान बहुत ये एक ख़तरनाक टाइप की ढलान है, अगर आप देखेंगे तो ये सीधी जा रही है, तो लेकिन देखते
भाई वहां से उतरने का रास्ता तो मुझे कोई पॉसिबल नहीं लग रहा था कि इस जगह पर रास्ता कुछ है, इस जगह पर कोई रास्ता बना हुआ है और रास्ता भी बनाया पानी ने। यहाँ से पहले कोई बहता था पानी, शायद बारिश के वक्त बहता है क्या है, लेकिन रास्ता बना हुआ है होपफुली। शायद ये जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं जाना था आसान है, ये मुझे दिख रहा है, तो ट्राई करते हैं यहाँ पर। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे तो जाना पड़ेगा। मैं खुद गाइड नहीं हूँ, ना मेरे साथ कोई गाइड है और ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं गाइड को दे सकूँ। एक्सप्लोर करना है तो खुद करना है। अब यहाँ पर दरिया बोल रहा हूँ, यहाँ पर पानी ने रास्ता बनाया हुआ है, कोई आबशार होता था या फिर वही कह रहा हूँ दरिया का पानी होता था, मुझे नहीं पता। मैं किसी को फॉलो करते हुए जाऊँगा और बिल्कुल नीचे तक, और मुझे आवाज़ आ रही है और मुझे बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, तो इससे ये जगह हो रही है स्लिपरी, तो मुझे संभल के जाना पड़ेगा। मैंने अपने हाथ और पांव दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इधर की जो पत्ते हैं ये भी बिल्कुल गीले हैं, ये भी गीले हैं तो ये स्लिपरी हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और पत्थर तो आप देख ही सकते हैं इधर के कितने शाइनिंग हैं, ये भी स्लिपरी हैं। तो हर तरफ से मैं एक रिस्की साइड पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन देखते हैं आगे इंशाल्लाह मंजिल बड़ी खूबसूरत होगी। रास्ता बड़ा कठिन है, ये देखिए पानी अपना रास्ता जो बनाता है ना, पानी अपने लिहाज से बनाता है, उसकी पावर होती है, वो किसी भी तरह रास्ता बना लेता है। बाकी ये बड़ा बहुत अभी नीचे जा रहा है, अब मैं आ गया हूँ, अब तो मेरे लिए ऊपर जाना भी मुश्किल है सर इस रास्ते से, नीचे तो जा ही सकता हूँ। चलिए हम नीचे ही चलते हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, और ये ऐसा स्लिपरी रास्ता है इस तरह की, देखें मुझे इस पर लटक के भी आना पड़ रहा है, कभी लेट के आना पड़ रहा है, लेकिन चलें। अभी रास्ता ऐसा आगे थोड़ा सा बहुत टफ होता जा रहा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे लगता है किसी ने दरख्त खुद ही गिराए हैं ये थोड़े ताकि इसके ऊपर जा सके, क्योंकि तोड़ के फेंके गए यहाँ पर ये काट काट के, लेकिन देखिए मैं इस पर जा सकता हूँ नहीं जा सकता मुझे नहीं पता। चलें जाना तो है अब, हर तरफ कांटे वांटे चुपते चुपाते। ओह ये देखें ये था रास्ता, ऊपर से नीचे आना था, और दरख्तों का सहारा लिया मैंने, मतलब टूटे हुए दरख्त हैं जो भी स्लिप भी हो रहे हैं उन्हीं के थ्रू मुझे थोड़ी फ्रिक्शन भी मिली, तो किसी ने अच्छा काम किया हुआ था, मेरा फ़ायदा हो गया इस पर। अच्छा मुझे इधर बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई बंदा नहीं, ना बंदा ना बंदे के साथ, खुदा ना खासा कि मुझे तो कुछ हो गया तो कोई मेरी हेल्प के लिए भी नहीं आ सकता। आवाज़ और करीब होती जा रही है पानी की, लेकिन पता नहीं कितना करीब है, और तेज़ होती जा रही है, देखते हैं। वहाँ सामने एक बंदा भी दिख रहा है, पता नहीं बंदा है बंदी है, आवाज़ मार के पूछता हूँ, हेल्प मिल जाएगी थोड़ी। भाईजान इधर, सलाम अलैकुम भाईजान, आबशार में जाना, आबशार पे, आबशार नीचे ही है, यूं कितना दूर है, थोड़ा सही है, चलो रास्ता है सही है, ये रास्ता सही, उधर आ जाऊं, उधर ये जो रास्ता जा रहा सीधा, अच्छा ये खराब है नीचे से, उस तरफ से जाऊं, वहां से
अच्छा शुक्रिया, थोड़ी हेल्प की है मेरी। अच्छा मुझे रास्ता दिख रहा है नीचे, लेकिन ये कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ना मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि वो तो पहाड़ी बंदे, उनको इस जगह पे चलना आता है, मुझे इतना खास चलना नहीं आता। या तो मेरे लिए एक हल है कि मैं इसको बैठ बैठ के और इस तरीके से, हाँ ये अच्छा है, ये रास्ता कुछ ये कुछ समझ आ रहा है मुझे, इस पर मेरी ग्रिप हो चुकी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, अच्छा होता अगर मेरे पास यहाँ पे कोई लकड़ी होती, मैं लकड़ी पकड़ लेता और उस लकड़ी के थ्रू मैं जाता। अभी यहाँ पे मैं आपको स्लिप करके लेके जा सकता हूँ, और स्लिप के थ्रू देख सकते हैं आप सामने वो रास्ता है, वो सामने रास्ता मुझे उधर पहुँचना है, और बिल्कुल ढलान है ये, खुदा ना कसा अगर मैं स्लिप हुआ तो नीचे खाई में जाऊँगा, फुल में ढलान पे है। मेरे पास इस वक्त अपने आप को संभालने के लिए सिर्फ अपने हाथ और पाँव के अलावा कुछ नहीं है, और साथ ही कैमरे को भी संभाला हुआ है। कोशिश यही है कि अपने पाँव को अपने हाथ को थोड़ा गाड़ के कुछ पकड़ने की जगह बना ली जाए। भाई ने मुझे सही तरीके से गाइड कर दिया, वो वाली जगह वाकई वो पत्थर ऐसे लग रहे थे, मुझे अब दोनों हाथों से सारा देना पड़ेगा, ढलान बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रास्ते से रहता है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आबशार देखना था और मैं इस रास्ते पे आया जिस रास्ते पे, मुझे खैर मुझे तो रास्ते कुछ पता ही नहीं थे, और ये रास्ता पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, ज़्यादा क्या कोई भी नहीं करता होगा, लोकल भी शायद कुछ शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हो, वरना ये मैं अगर आप लोगों को अगर आप यहाँ घूमने आ रहे थे मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। आबशार की खोज में निकले हैं, वो ढलान वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरह पहुँचे हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीका था, अल्लाह ताला ने अल्लाह करके पहुँचा दिया मुझे, वरना तो मैं सीधा इधर ये सीधा खाई में जाता। तो शुक्र है अल्लाह का पहुँच गए, बाकी अभी यहाँ से अब मेरे ख्याल में रास्ता सीधा है। देखो मैं आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आ रहा था इस रास्ते पे, वाकई मैं नहीं आ सकता था नीचे, मुझे उस बंदे ने सही गाइड किया कि आप यहाँ से आ जाओ, और यहाँ से गाइड क्या सही क्या मतलब के मेरे लिए वो भी टफ था, लेकिन हो गया फाइनली। अब यहाँ पर सीधा रास्ता नीचे रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पे चलते हैं। पानी की आवाज़ और बढ़ती जा रही है, लेकिन असल बात यह कि अभी तक मुझे पानी दिख रहा नहीं है, इतने घने जंगल है ये, बड़े बड़े दरख्त हैं माशाल्लाह, पानी दिख रहा नहीं है तो, लेकिन आवाज़ बहुत करीब आ गई है, हो सकता है आप लोगों को भी आ रही हो, आवाज़ बहुत करीब हो गई है, वो दिख रहा है पानी यहाँ से नीचे आ रहा है, एक छोटा सा आबशार, इतना ज़्यादा बड़ा आबशार यहाँ पर नहीं दिख रहा, हो सकता बड़ा आबशार किसी और जगह हो, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक रिसोर्ट टाइप का कुछ बन रहा है, और ये माशाल्लाह जंगल के अंदर एक खूबसूरत सब स्पॉट बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर आई गेस शायद टूरिस्ट के लिए कुछ हो या फिर कोई होटल टाइप का कुछ बन रहा है ये, और चलें आपको करीब लेके जाते हैं, फिर पूछते हैं उनसे, दिखाते हैं और बड़ा आबशार भी दिखाते हैं, अभी तक बड़ा आबशार हमें दिखा नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा आबशार दिख रही है। इस जगह से कोई गाड़ी का भी रास्ता है, यहाँ से कोई गाड़ी का भी रास्ता है, फाइनली उस स्पॉट पर हम पहुँच गए। बड़ा आबशार अभी भी नहीं दिख रहा, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा एक हर टाइप का बन रहा है, होटल टाइप का बन रहा है, और नज़ारा तो आपके सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
आबशार वाला पॉइंट यही है, यही है ना? बड़ा ढूंढता ढूंढाता आया हूँ।